है ना प्रोग्राम का, तब से आपने बड़ा अच्छी व्यवस्था कर दी है। अरे बजट नुकसान करने के लिए थोड़ी ना भरवाया है। कुछ भी कहे, आपकी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है। बढ़िया तो खाना देते हैं, अच्छी जगह देते हैं, सोने बैठने के लिए मजा आ जाता है। अब इतनी तारीफ मत कीजिए, पब्लिक आ गई है, शो जल्दी से स्टार्ट कीजिए। हाँ, बस मैं अपना थोड़ा सा मेकअप का टचअप करा के आती हूँ। ओके, ये तकिया भी ले जाती हूँ। मेरे तकिए क्या क्या करना है मेकअप टचअप करने के लिए। तो दोस्तों, जब तक हमारी एक्सपर्ट टचअप करके आती है, तब तक हम अपने गेस्ट को बुला लेते हैं। आज की गेस्ट कोई आम गेस्ट नहीं है, ये है भागलपुर की महारानी श्री प्रतीक्षा देवी। ये पूरे भागलपुर में अपने प्रेम और दानवीरता के लिए पूजी जाती है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं श्री प्रतीक्षा देवी का। किया जा रहा है।
लगानी पड़ती है। अरे महारानी जी उठिए, दूसरा प्रश्न भी बचा है। एक्सपर्ट जी, ये
महारानी जी को तो लग रहा है कि ये अंडे उनकी ही है, इसलिए वो इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज है। लेकिन बाकी सवाल के जवाब तो महारानी जी चुटकी में दे देगी। देखिए हिमांशु जी, राजाओं और महाराजाओं को तो यही लगता है कि सब कुछ उनका है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है गुप्ता जी का फार्म, शर्मा जी के मुर्गी और अंडे किसके। तो अंडे तो सिर्फ मुर्गी ही देती है, अब शर्मा जी और गुप्ता जी तो अंडे देंगे नहीं, तो महारानी जी इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुर्गी के अंडे। अंडे तो हमें मिलने चाहिए, हमें एक्सपर्ट के लिए तो सी लॉक कर दो। तो मैं सी लॉक कर रही हूँ, आपका जवाब बिल्कुल सही और आप जीत चुकी हैं थाली। जिसमें आपका लोटा था महाभारत काल का पितामह भीष्म का, और आज आप कर रहे हैं कौन बनेगा थालीपति। तो आज आपकी फाइनल थाली किस काल की है ये किस? आप इस थाली के बारे में नहीं जानते? ये कोई आम थाली नहीं है, ये अलादीन की थाली है। ये थाली वो थाली है जिसमें जिनी ने अलादीन को पहली बार खाना परोसा था, और अलादीन ने वो खाना शौक से खाया था, और ये जो बाकी थालियां है ये अलादीन के साथी जैस्मीन, आबो और लागो की है। सब मिलके पार्टी किया करते थे थालियों के साथ और जिनी के साथ। वाह वाह हिमांशु जी, आपने बेहतरीन थाली लेकर आई है इस खेले के लिए, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, ये थाली ये लोटे स्पेशली आपको मिलते कहाँ से हैं? अरे ये हमारे सीक्रेट्स है, आपको इतनी आसानी से थोड़ी ना बता देंगे। अच्छा अच्छा, आपको खेला जो चलाना है। हाँ? तो अब आ रहा है कौन बनेगा थालीपति का आखिरी सवाल। इस बेशकीमती अलादीन की थाली के लिए आपकी स्क्रीन पर अकबर बादशाह नमाज पढ़ने जामा मस्जिद में पूरब के दरवाजे से जाते थे तो निकलते किस दरवाजे से थे? ऑप्शन ए दक्षिण, ऑप्शन बी उत्तर, ऑप्शन सी पश्चिम, ऑप्शन डी किसी से नहीं। तो बताइए प्रदीक्षा जी। उत्तर दक्षिण। लगता है महारानी जी को कुछ आता वाता रही है, आपको इनके भी आखिरी प्रश्न में मदद करनी होगी। तो चलिए आखिरी सवाल आपने सुन लिया है, तो बताइए ये आखिरी सवाल इस बेशकीमती अलादीन की थाली के लिए, क्या इस सवाल का उत्तर दे पाएगी? क्वेश्चन तो आपका बहुत ही अच्छा है शिवांशु जी, और बड़ा कंफ्यूजिंग भी है महारानी जी, कि अकबर पूरब की दिशा से अगर घुसेंगे तो निकलेंगे किधर से? सोचना पड़ेगा मुझे भी थोड़ा सा। पूरब पे जाएंगे गेट से तो निकलेंगे किस गेट से? एक मिनट शिवांशु जी, ये मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद है ये। महारानी जी आपको पता है ये जामा मस्जिद बनवाई किसने है? तो महारानी जी ये जामा मस्जिद बनवाई है शाहजहां ने 1650 में, और शाहजहां पता है कौन था? अकबर का पोता था। तो उस टाइम तो जब जामा मस्जिद बनी तब तो अकबर थे ही नहीं, तो
तो निकलेंगे किस गेट से? जब जा ही नहीं पाएंगे तो निकलेंगे कैसे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। जंगल घूम रहे तो आप देख रहे हमारे वेब टेस्ट वाला वीडियो। बाय, एंजॉय।